आओ चलें, सबके लिए पेड़ पौधे लगाएं। दुनिया अपना एक परिवार है। भारत देश विश्व को अपना परिवार मानती है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा आप यही कामना करती है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का, पर्यावरण की दुनिया में आप सभी का सुबह सुबह स्वागत करती है। मौसम सुहाना है, सावन का महीना है, शिव बाबा जी का डमरू चारों तरफ बज रही है। हल्की हल्की ठंडक, सुहानी हवाएं शुद्ध हवाओं के साथ सुबह सुबह चलती हुई दिखाई दे रही है। मौसम घनघोर नज़ारा देख रहे हैं। जब मर्जी हो तब प्राकृतिक की बारिश होगी और जब मर्जी हो तब प्राकृतिक की बारिश नहीं होगी। ये है आज का खास हालात। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम प्राकृतिक की दुनिया को सजाने और संवारने के लिए हरियाली युक्त मौसम बनाते हैं, फूल पौधे के बारे में सोचते हैं और हरियाली बनाने के लिए हम सबके मानव जीवन का सबसे बड़ा या उमंग और उत्सव रहता है कि आने वाले वक्त में हम सभी को शुद्ध हवा देगी और सही मात्रा में हम सभी लोग प्रदूषण को भगा बाय बाय करेंगे और पर्यावरण को स्वागत करेंगे। यही नज़ारा आप देख रहे हैं सुहानी सफ़र में। और आप जानते हैं आज सुबह टाइम्स लगातार पर्यावरण की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है हमेशा। लेकिन जिस तरह से सावन का महीना लगा है, सुहानी सी हवा जो है लोगों को राहत दे रही है। जिस तरह से चाहे मानव हो या जीव जंतु हो या जानवर हो, सभी को आज इस मौसम में एक सुहाना सफ़र बना दिया है। जैसा कि यह लाभदायक है और स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम की जिस तरह से रूपरेखा तैयार की जाती है, वही बारिश की दुनिया में या सभी बारिश हो रही है, किसी तरह से आप देख रहे हैं आजकल प्राकृतिक की लीला या बारिश कहीं हो रही है, कई दूसरे जो है खेतों में बारिश ही नहीं हो रही है। भगवान की असली जो है प्राकृतिक, उनके आगे किसी का नहीं चलती है। इस सुहानी सफ़र में सुबह सुबह नई दिशा, नई उमंग की सफ़र लेकर आते हैं लोग। हम सभी को मोटिवेट करने की ज़रूरत है और हम सब आने वाले युग में और यह दिशाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पर्यावरण कैसे सुंदर बनाए जाए यह भविष्य की बात है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य भारत के राज्यों की सरकारें भी पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को उत्सुक कर रही है। और यहां तक कि अपने अपने कर्मचारियों, चाहे वन अधिकारी हों या जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, जिला अधिकारी हों, सभी कर्मचारी वहां पर जाकर पेड़ पौधे जरूर से जरूर लगा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी आई है। तो यहाँ पर प्रदूषण कैसे फैल रहा है, इसका भी एक नमूना हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण, हम आपको बता दें, गाड़ी और मोटरों से फैल रही है और फैक्ट्रियों से आ रहे हैं, जिससे कि यह प्रदूषण अधिक मात्रा में या आकाश वायुमंडल में फैल जाता है। यह बहुत बड़ा कारण है और समस्या भी बनती जा रही है। आज व्यक्तियों को प्रदूषण से बचना है तो अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना है, जंगल लगाना है, जिससे कि मानव की शुद्ध रक्षा करना है। प्रदूषण का एक कारण ये भी है कि गंदे कूड़ा करकट जलाना और पॉलीथीन जहरीली जलाना, टायर जलाना और जो है खेतों में किसान भाई जिस तरह से पराली जलाते हैं, इससे भी प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलती है। वह गांव, कस्बा और शहरों में फैलकर लोगों को प्रभावित करती है, जिससे कि वह रोगी बन जाते हैं, जैसे कि टीवी, कैंसर आदि से भी यह प्रदूषण का कारण बनता है। और सबसे जो है इससे बचना है तो हम सभी को स्वास्थ्य हासिल करना है। तो आप सभी से अपील है कि आप अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि आप हरियाली युक्त मौसम बने और आपका समय समय पर बारिश होता रहे। तो हम फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे साथ, तब तक पेड़ पौधे अधिक लगाइए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।